हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रीति। आप देख रहे हैं एग्जाम टेन यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 30 जुलाई के करंट अफेयर्स में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे, साथ ही साथ प्रीवियस डे के क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। इसके अलावा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। इससे पहले मैं एक करेक्शन करना चाहूँगी। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि आईसीसी में सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिया एक मैच में, तो वहाँ पे शाहिद आफरीदी मैंने आपको बताया था। वहाँ पे सही आंसर होगा हमारा शाहीन आफरीदी, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। शाहिद आफरीदी नहीं होगा, शाहीन आफरीदी, ठीक है। चलिए अब हमने बात करते हैं कल के पूछे गए क्वेश्चन से। इसका काफ़ी लोगों ने सही आंसर दिया है कि मध्य प्रदेश की किस धरोहर को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा, ओरछा की धरोहर को शामिल किया गया है यूनेस्को की अस्थायी सूची में। इसके अलावा अभी लेटेस्ट में यूनेस्को ने किसको विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया है, तो जयपुर को, इसको भी याद रखिएगा, ठीक। और सब किस हम किस विश्व विरासत धरोहर से हमें सबसे ज़्यादा इनकम आती है, ताजमहल से आती है, ये भी याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं हम लोग आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा, रक्षा मंत्री का पद संभालने के बाद राजनाथ सिंह की पहली विदेश यात्रा किस देश की है। तो अभी आपको पता है कि हमारे वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह। इसके पहले कौन थी, निर्मला सीतारमण थी। इस समय निर्मला सीतारमण बन चुकी हैं वित्त मंत्री और राजनाथ सिंह बन चुके हैं रक्षा मंत्री। और अपने इस पद को संभालने के बाद इन्होंने सबसे पहली यात्रा की है कहाँ की, मोजाम्बिक की। यह आप मैप में देख सकते हैं, ये रहा हमारा मोजाम्बिक, और यह एक साउथ अफ्रीकी देश है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अफ्रीका से हमारे एक दो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं। जो मलेरिया की वैक्सीन लॉन्च की गई है, अभी 25 अप्रैल 2019 को मलेरिया की पहली वैक्सीन लॉन्च की गई है RTS-S, उसको कहाँ पर लॉन्च किया गया है, तो साउथ अफ्रीका में ही लॉन्च किया गया है, ये भी याद रखिएगा, ठीक। चलिए थोड़ा सा इसका डिटेल देख लेते हैं। यहाँ पे जब राजनाथ सिंह जाएंगे तो वहाँ पे दो तेज इंटरसेप्टर नौका और 44 SU मोजाम्बिक को देंगे। अगर हम लोग बात करें कि वर्तमान में हमारे रक्षा सचिव कौन है, संजय मिश्रा हैं। देखिए, जो रक्षा मंत्री और सचिव अलग अलग चीज़ होती है। जैसे मैंने आपको बताया था, इसके पहले एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था ब्रिटेन वाले में, तो बाद में मैंने उसका करेक्शन कर दिया था। अब अगर हम लोग बात करें इसी तरह की, किसकी पहली विदेश यात्रा कौन सी थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली विदेश यात्रा कहाँ की थी, मालदीव की। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, विदेश मंत्री हैं हमारे S. जयशंकर, इनकी पहली विदेश यात्रा कहाँ की थी, भूटान की। और अगर हम लोग बात करें अपनी वित्त मंत्री की, इनकी पहली विदेश यात्रा थी जापान की। और हमारी वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट है हमारा, विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है। यह दिवस मनाया जाता है 28 जुलाई को, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, ठीक। इसकी शुरुआत कब की गई थी, इसकी शुरुआत हुई थी 2010 में, और इस बार इसका थीम रखा गया है हेपेटाइटिस उन्मूलन में निवेश करें। अगर हम लोग बात करें कि इसकी खोज किसने किया है, तो प्रोफेसर बारूक ब्लमबर्ग ने हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज किया है, और कुल इसमें 5 प्रकार के होते हैं हेपेटाइटिस, और इसके लिए इनको 1976 में चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। याद रखिएगा, जो हम लोग 28 जुलाई को हेपेटाइटिस डे के रूप में मनाते हैं वो इन्हीं का जन्मदिवस है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में जारी फीफा द्वारा नवीनतम रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम कौन से स्थान पर है। तो यहाँ पे भारतीय फुटबॉल टीम है 103वें स्थान पे, इसके पहले वह 101वें स्थान पे थी, और वर्तमान में कितने पे है, 103। और अगर हम लोग बात करें कि पहले स्थान पे कौन है, पहले स्थान पे है बेल्जियम। साथ ही साथ हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं फीफा के बारे में। तो फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना हुई थी 1904 में, और इसका मुख्यालय है ज्यूरिक। बात आती है ज्यूरिक कहाँ पड़ता है, तो ज्यूरिक पड़ता है हमारा स्विट्जरलैंड में, बहुत ही प्यारी जगह है। इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें, जो हमारा 2022 का फीफा होने वाला है, फीफा वर्ल्ड कप, ये कहाँ पे होने वाला है, कतर में। क्या आया नाम, कतर, कतर देश, कुछ याद आया, कतर ने ओपेक की सदस्यता छोड़ दिया है। एंड इसके अलावा अभी इजराइल और अमेरिका ने यूनेस्को की सदस्यता छोड़ दिया है। तो जब भी पढ़िए, कोरिलेट करके पढ़िए, चीज़ें ईजी हो जाएंगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, हाल ही में इंडोनेशिया में हुए
23वें प्रेसिडेंसस कप में किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? इमेज देख के समझ में आया, मैरी कॉम ने जीता है गोल्ड मेडल। इसमें मैरी कॉम की बात करें तो यह 6 बार विश्व चैंपियन रह चुकी हैं। इन्होंने किसको हराया फाइनल में, तो ऑस्ट्रेलिया की अप्रिल फ्रैंक्स को हराया है इन्होंने। और इसके अलावा आप बताइएगा कि मैरी कॉम कहाँ से बिलोंग करती हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज के टाइम में। अगला हमारा, इसरो ने आदित्य L1 नामक सौर मिशन कब तक लॉन्च करने की घोषणा किया है? इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा 2020 तक, 2020 तक इसको लॉन्च किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है, तो सूर्य के कोरोना का अध्ययन करना इसका मुख्य उद्देश्य है। बात कर लेते हैं, अभी हम लोग लेटेस्ट में जो इसको लॉन्च किया गया है तो 22 जुलाई को 2:43 पर लॉन्च किया गया है मिशन चंद्रयान, ठीक। और ये क्या करेगा कि चंद्रमा की सतह पर पानी की खोज करेगा, वहाँ पे पानी है या नहीं है, इन सारी चीज़ों का एनालिसिस किया जाएगा चंद्रयान के द्वारा। इसरो की अगर हम लोग बात करें तो इसरो ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो लॉन्चिंग एक करने वाला है 2022 में, आई थिंक आपको पता चल गया होगा, मिशन गगनयान के बारे में। 2022 में इसरो अपनी स्पेस एजेंसी से भारतीय अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजेगा। और अभी मैंने आपको 2-3 दिन पहले पढ़ाया था कि पाकिस्तान भी यही काम करने वाला है। पाकिस्तान ने भी समय सीमा तय कर लिया है कि 2022 में हम अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजेंगे। इसरो के फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसके अध्यक्ष हैं K. Sivan। इसका गठन हुआ है 1969 में, याद रखिएगा। और इसी में अगर हम लोग इसको 1869 कर दे तो इसमें क्या होगा, गांधी जी का जन्म हो जाएगा। और 100 साल बाद क्या हुआ है, इसरो का गठन हुआ है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। हाल ही में किस देश में ब्रिक्स राष्ट्रों के विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित हुई है? ब्रिक्स राष्ट्र बोले तो BRICS, मैंने आपको बताया था ब्राज़ील हो गया, रशिया हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, साउथ अफ्रीका। अब इनके विदेश मंत्रियों की बैठक हाल ही में कहाँ पे होगी, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में। कब होगी? अच्छा, आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये महाशय कौन है, ये महाशय हैं S. Jaishankar। यहाँ पे हमने क्या कहा कि बैठक किसकी हो रही है, विदेश मंत्रियों की, तो हमारे विदेश मंत्री कौन है, S. Jaishankar है ना, यही पार्टिसिपेट करेंगे इसमें। तो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में ब्रिक्स की बैठक होगी विदेश मंत्रियों की, और इसमें भारत को रिप्रेजेंट करेंगे हमारे विदेश मंत्री S. Jaishankar। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि 2018 में सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, तो साउथ अफ्रीका में। आप देखेंगे ना तो इनका जो सम्मेलन होता है वो अल्टरनेट होता है, एक बार ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। अब देखिए अभी 2018 में साउथ अफ्रीका में हुआ था, अब कहाँ चला गया, ब्राज़ील, इसके बाद वाला चला जाएगा रशिया में। तो यह बैठक कब हो रही है, नवंबर में हो रही है। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछता है कि ब्रिक्स कब बना, तो ब्रिक्स पहले ब्रिक था, 2010 में साउथ अफ्रीका ऐड हुआ, तब से हमारा क्या हो गया, ब्रिक्स हो गया। ओके, नेक्स्ट है हमारा, सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? रूफटॉप बोले तो छत पर जो लगता है सौर ऊर्जा संयंत्र, उसमें पूछ रहा है कि उसके इंस्टॉलेशन में नंबर 1 पे कौन सा राज्य, मतलब सबसे ज़्यादा किसने लगाया है, तो इसको लगा रखा है गुजरात ने। गुजरात सोलर एनर्जी में नंबर 1 पे इसने करीब 261.97 मेगावाट का सोलर रूफटॉप इंस्टॉल किया हुआ है। एंड इसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि अभी हमारी केंद्र सरकार ने एक टाइम निर्धारित किया है कि 2022 तक हम करीब 40,000 मेगावाट रूफटॉप सोलर पैनल इंस्टॉल करेंगे। अच्छा, सोलर की बात हो रही है, बार बार सोलर आ रहा है, तो ये बताइए सौर ऊर्जा द्वारा संचालित भारत का पहला द्वीप कौन सा है, भारत का पहला राज्य कौन सा है, ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सौर ऊर्जा द्वारा संचालित, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली ट्रेन कौन सी है, तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक, तो इसको याद रखिएगा। अब बात कर रहे हैं हम लोग गुजरात की, तो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं गुजरात में। देखिए, गुजरात में हमारे भारत की पहली रेलवे यूनिवर्सिटी खुली है, कहाँ पे, गुजरात के बड़ोदरा में। इसके अलावा गुजरात में बन रहा है सबसे बड़ा स्टेडियम जिसमें 1,00,000+ दर्शक बैठ सकेंगे, इसको भी याद रखिएगा। और इसके अलावा स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में तो आप सभी जानते हैं। अब इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं तो मैप में देख लेते हैं गुजरात कहाँ है। ये देखिए मैप में हमारा गुजरात है, भारत के मैप में, और गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं Vijay Bhai R. Rupani, ठीक है, हम लोग जानते हैं विजय रूपानी के नाम से जानते हैं। यहाँ के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत, गवर्नर कौन है गुजरात के, आचार्य देवव्रत, ठीक।
नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में GIIS ने कहां पर भारत का पहला स्मार्ट स्कूल खोले जाने की घोषणा किया है? तो यहां पे घोषणा किया गया है कि पुणे में खोला जाएगा इसको। कहां पे? पुणे में। पुणे कहां पे हमारा? तो ये पड़ता है हमारा महाराष्ट्र में। अब इसमें जो एजुकेशन दिया जाएगा वो साइंस और टेक के माध्यम से दिया जाएगा, और स्टार्टिंग से ही इसमें बच्चों को एक पर्टिकुलर निर्धारित हो जाएगा कि इनको किस सेक्टर में भेजना है। जैसे अभी क्या होता है, अभी हम लोग इंटर करते हैं, फिर ग्रेजुएशन करते हैं, अभी ग्रेजुएशन तक भी नहीं इतना डिसाइड हो पाता है, लोग फ्लक्चुएट कर जाते, नहीं हमें ये करना वो करना। तो यहाँ पे स्टार्टिंग से ही एजुकेशन उनके जो मेन पर्पज होगा उस हिसाब से दिया जाएगा। अब GIIS की बात करें तो ग्लोबल इंडियन इंटरनेशनल स्कूल इसका फुल फॉर्म है। महाराष्ट्र हमने बात किया कि पुणे कहाँ पे हमारा महाराष्ट्र में है, तो महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं, ये पोर्शन है हमारा महाराष्ट्र का। सीएम है देवेंद्र फडणवीस, और गवर्नर की बात करें तो विद्यासागर राव हैं यहाँ के गवर्नर, याद रखिएगा। अगला हमारा, 29 जुलाई से 7वीं आर्थिक जनगणना किस राज्य में शुरू हो रही है? तो किस राज्य से शुरू हो रही है? त्रिपुरा से इस बार हमारा इकोनॉमिक सर्वे स्टार्ट हो रहा है, ठीक। त्रिपुरा के बाद यह होगा पुदुचेरी में, और इसके बाद धीरे धीरे अन्य जगहों पर होगा। त्रिपुरा की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि त्रिपुरा एक ऐसा है, यहाँ पे देखिए मैप में देख रहे हैं ना आप, त्रिपुरा ये तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, जिसकी कैपिटल क्या है? अगरतला। और इनका जो बॉर्डर है ना त्रिपुरा और बांग्लादेश का, इसको हम लोग जीरो लाइन के नाम से जानते हैं, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो काफ़ी कम है। यहाँ के सीएम कौन है? तो बिप्लब कुमार देव है यहाँ के सीएम, और गवर्नर है रमेश बैस, ठीक। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किस राज्य में वृक्षारोपण कार्यक्रम की शुरुआत की गई? बहुत अच्छा काम है, वृक्षारोपण कर रहे हैं, पर्यावरण को सेव कर रहे हैं, तो इसको करने वाला है अरुणाचल प्रदेश। वहाँ पे 24 घंटे में 1,00,000 पेड़ लगाए गए हैं, ठीक है। वन विभाग ने इसके तहत 1,00,000 पेड़ लगाए हैं, कब? 24 घंटे में, इसको भी याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो इसकी कैपिटल है ईटानगर, और आपको पता है कि ये भारत का सबसे पूर्वी बिंदु जो कि भूतू है वो कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। सीएम कौन है? पेमा खांडू है सीएम, और गवर्नर है बीडी मिश्रा, याद रखिएगा। अब हम लोग का 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, आप कल के क्वेश्चन का रिवीजन करते हैं। बात कर रहे हैं हम लोग चांदीपुरा वायरस की, जिसका नाम रखा गया है महाराष्ट्र के एक गाँव को नाम के ऊपर, यहाँ इसको लेकर के अलर्ट जारी किया गया है गुजरात में। गुजरात से कल भी क्वेश्चन आया था, आज भी आया था, ठीक। अगला है, अच्छा आज किस लिए आया था क्वेश्चन, जरा जल्दी से रिकॉल करिए, रिकॉल हो गया? किस लिए आया था? सोलर जो पैनल लगता है छत पे, रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन, उसमें गुजरात ने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। अगला हमारा, भारत और चीन के मध्य हैंड इन हैंड युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ पे होगा? मेघालय में होगा इसका आयोजन। फिर हमारा, GST परिषद ने इलेक्ट्रिक वाहनों की दर घटा करके कितनी कर दिया? तो 12% से घटा करके 5% कर दिया। एंड इसके अलावा ईरान ने शहाब-3 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। फिर हमारा कि किस परमाणु संयंत्र ने निरंतर संचालन का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? कैगा परमाणु संयंत्र पड़ता कहाँ पे है? कैगा है हमारा कर्नाटक में, और कर्नाटक के सीएम अभी कौन बने हैं? तो BS येदियुरप्पा बने हैं कर्नाटक के सीएम। इसके पहले कौन थे? HD कुमार स्वामी थे। अगला हमारा, दुनिया का पहला अंडर वाटर मिलिट्री म्यूजियम कहाँ बना है? जॉर्डन में बना है। फिर हमारा कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के क्रियान्वयन में कौन सा राज्य ऊपर है? उत्तर प्रदेश है। और जीवन ज्योति बीमा योजना की बात करें तो उसमें उत्तर प्रदेश 2nd नंबर पे है। फिर हमारा, किस श्रीलंकाई गेंदबाज ने संन्यास की घोषणा किया है? तो लसिथ मलिंगा ने। अगला हमारा कि 100 मीटर बटरफ्लाई स्ट्रोक में विश्व रिकॉर्ड बनाया है कैलेब ड्रेशल ने, ठीक है। अगला हमारा कि किस भारतीय को इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ साइकोलॉजी 2020 में मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया? समीर रावत को। ये रहा आज का आपका क्वेश्चन, सोचिए और सोच के इसका आंसर दीजिए। हाल ही में भारत के आर्थिक मामलों के सचिव कौन बने? इसके अलावा मैं आपसे एक बार फिर कहना चाहूँगी, देखिए गलतियाँ कभी कभी हो जाती हैं, तो आप वहाँ पर कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर अगर आपको और भी कोई मॉडिफिकेशन चाहिए तो आप वहाँ पर बता सकते हैं, क्योंकि पढ़ना आपको है, पढ़ाना हमें है, तो दोनों के हिसाब से अच्छा होना चाहिए, कि आपको पढ़ने में भी अच्छा लगे, हमें पढ़ाने में भी। तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।